नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का विषय है कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही अद्भुत बातें कही है। श्री कृष्ण का ये कहना है कि जो भी काम कर्म यानी कि काम कामना रहित होता है उसे ही कर्मयोग कहते हैं। जो भी कर्म यानी कि काम कामना रहित होता है उसे ही कर्मयोग कहते हैं। जैसे कि जो भी कृत्य आप अपने जीवन में अंदर की ऊर्जा से जीवन की ऊर्जा के ओवर फ्लोइंग से करते हो, जो भी कृत्य आप जीवन की ऊर्जा के ओवर फ्लोइंग से करते हो वही निष्काम कहलाता है, वही काम कामना रहित कहलाता है, यही अनमोटिवेटेड एक्ट कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं कर्म योग। जो काम जो कृत्य आप किसी लालच में किसी कामना से भरा हुआ करते हो, जो भी कृत्य आप कामना युक्त करते हो कामना की चाहत में करते हो उसे सकाम कहते हैं, उसे मोटिवेटेड एक्ट कहते हैं, उसे हम कर्म योग नहीं कह सकते। कर्म योग यानी कि वो काम जो कामना रहित होता है उसे हम निष्काम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ काम हम करते हैं और वो शुरुआती तौर पे हमें ऐसा लगता है कि वो कामना रहित है, पर कहीं ना कहीं अचेतन दिमाग में आपके फिर भी कामना छुपी होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप घर से निकले और रास्ते में एक लड़का जा रहा है जिसके हाथ में एक छाता है और छाता गिर गया, आपने उसे वो छाता उठा के दे दिया। ये एक काम आपने कामना रहित किया, बिना किसी कामना के आपने ये कार्य किया, जिसमें आप ये कह सकते कि ये कामना रहित कर्म है जिसे आप कर्मयोग कह सकते हैं। आप जब घर से निकले थे तो आपने सोचा नहीं था कि किसी का छाता गिरेगा, और किसी का छाता गिरेगा तो मैं उसे उठा के दूंगा, तो इसलिए ये अनमोटिवेटेड एक्ट हो गया, कर्मयोग कहा जा सकता है। पर कहीं ना कहीं जैसे ही आप ये छाता उस व्यक्ति को देते हो तो आपके भीतर एक सवाल खड़ा हो जाता है, अगर छाता लेने वाला व्यक्ति आपको धन्यवाद ना दे, आपको थैंक यू ना दे, तो यही अनमोटिवेटेड एक्ट मोटिवेटेड एक्ट में बदल जाता है। आप अंदर से कामना शुरू करोगे कि मैंने उसे छाता उठा के दिया और उसने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा, धन्यवाद भी नहीं कहा। तो शुरुआती दौर पे जब आपने ये एक्ट किया, छाता उठा के दिया, तब आपने कुछ भी नहीं सोचा था, कामना रहित एक्ट था, कर्म योग कहा जा सकता था उसे। लेकिन कहीं ना कहीं अचेतन दिमाग में, अचेतन सबकॉन्शियस माइंड में आपकी कुछ न कुछ कामना छिपी थी इस काम के पीछे भी कि वो इस काम के बाद मुझे धन्यवाद कहे। तो ये फिर से एक कर्मयोग का उदाहरण नहीं हुआ, पर इसी कर्म को छाता देने के बाद ये जो विचार आपके दिमाग में आया कि मुझे वो थैंक्स कहे धन्यवाद कहे, इसे अगर आप देखते रहे तो इस विचार को खत्म किया जा सकता है और इस एक्ट को कर्मयोग में कन्वर्ट किया जा सकता है, कर्मयोग में बदला जा सकता है। क्योंकि जिसके शुरुआत में कोई मोटिवेशन नहीं था उसके अंत में भी कोई मोटिवेशन ना हो ऐसा किया जा सकता है। छोटी छोटी प्रैक्टिस से हम बिना किसी मोटिवेशन के भी एक्ट किया कर सकते हैं। ये तो हो गई कर्मयोग की बात। अब इसे और थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक बार अकबर राजा के दरबार में उन्होंने तानसेन को कहा कि कल जो तुमने गीत गाया है मैं पूरे दिन और पूरी रात उस बारे में सोचता रहा कि तुमने इतना अद्भुत म्यूजिक किया है कि मैं क्या कहूँ, तुम्हारे सुर में बहुत ही जबरदस्त लगाव है, खिंचाव है, बहुत जबरदस्त सुरीली आवाज है तुम्हारी, क्या बात है। रात को जब सोते हुए मैंने सोचा कि अगर तुम इतना अच्छा खूबसूरत इतना जबरदस्त सुर लगा सकते हो तो तुमने जिसके पास सीखा होगा उनके सुर तो तुमसे भी अच्छे हैं। मैं तो यही समझता था अब तक कि तुमसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई संगीतकार ही नहीं है, लेकिन जब रात को सोते वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि तुम्हारे गुरु तो तुमसे भी अच्छे हो गए, तो मुझे
अब तुम्हारे गुरु से मिलना है, मुझे उनका संगीत सुनना है। तानसेन ने कहा कि वो तो संभव नहीं है, मैं आपको अपने गुरु से मिला तो सकता हूँ लेकिन वो यहाँ पे आएंगे नहीं। आप सोच रहे हैं कि मैं उनको यहाँ बुलाऊं दरबार में तो वो यहाँ पे आएंगे नहीं। तो अकबर ने कहा कि उन्हें जो भी चाहिए आप इनाम दो, जो भी चाहिए उनको आप दीजिए, लेकिन आप उन्हें अपने दरबार में बुलाइए, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा कि उन्हें किसी चीज की कोई लालसा नहीं है और उनमें गाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई लक्ष्य के लिए वो नहीं गाते, उनको कुछ बनना है उसके लिए वो नहीं गाते, उनके पास कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, ऐसी कोई कामना नहीं है जिसके लिए वो गाते हैं। तो आप उसे कितना भी लालच दे दीजिए वो दरबार में आके नहीं गाएंगे। तो अकबर ने कहा तो फिर अब मुझे उनसे मिलना है, उनकी आवाज को सुनना है, उनके सुरों को सुनना है, तो क्या करें। तो तानसेन ने कहा कि एक काम कर ले, मेरे गुरु हरिदास जो गंगा के घाट पे रहते हैं, मैं पता करता हूँ कि वो कब गाते हैं, मैं थोड़ा पता करता हूँ, और जब वो गाएंगे उस वक्त हम छुपके से वहां चले जाएंगे और उनका गाना हम सुनेंगे, क्योंकि आप सामने से कहेंगे तो वो गाएंगे नहीं, और जब वो अपनी मर्जी से गाते हैं बिना किसी कामना के गाते हैं तब हम उसको जाके सुनेंगे। पता करने पर तानसेन अकबर से कहता है कि आज रात को करीब करीब हर बार रात को वो 3 बजे के आसपास गाना गाते हैं, तो आज रात को हम चलते हैं और उनके संगीत को सुनते हैं। अकबर और तानसेन दोनों ही जंगल में जाके झाड़ियों के बीच छिप के तानसेन का वो गाना, तानसेन के जो गुरु है हरिदास जी उनका वो गाना सुनते हैं। उनके गाने में इतना जादू, उनके गाने में अद्भुत अद्भुत खिंचाव, पूरे गाने सुनते समय, पूरा संगीत को सुनते समय अकबर की आंखों में और तानसेन की आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू थे, दिमाग काम करना बंद हो गया उनका। वहां से जब वो फिर घर पर लौटे तो रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा कि जब वो इतना अच्छा गा सकते हैं तो तुम उनके जैसा अच्छा क्यों नहीं गा सकते, मैं तो समझता था कि तुम ही शिखर हो, तुमसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई नहीं गा सकता, पर तुम्हारे गुरु तो तुमसे भी अच्छा गा सकते हैं। तब तानसेन ने जो बात अकबर से कही वही बात मैं आज आपको बताता हूँ। अकबर ने जब तानसेन से ये पूछा तो तानसेन ने जवाब में ये कहा कि मैं जो भी कृत्य कर रहा हूं उसमें मेरी कामना छुपी हुई है, वो कामना हो सकता है कि मेरा नाम, मेरी ख्याति, मेरी प्रसिद्धि, या हो सकता है कि धन की प्राप्ति। मैं जो भी ये कृत्य कर रहा हूँ किसी न किसी कामना युक्त कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे कृत्य में वो प्राण नहीं है, मेरे संगीत में वो प्राण नहीं है। और मेरे गुरु हरिदास जी जो कृत्य कर रहे हैं, जो संगीत गा रहे हैं, वो उनकी भीतर की ऊर्जा की ओवरफ्लोइंग है, भीतर में इतनी खुशी है कि वो खुशी जो है अंदर समा नहीं रही है, उस खुशी की ओवरफ्लोइंग है। उस गाने में उन्हें कोई ख्याति प्रसिद्धि या कोई धन दौलत नहीं चाहिए, भीतर खुशी इतनी बढ़ गई है कि वो ओवरफ्लोइंग हो रही है और वो संगीत के माध्यम से बाहर निकल रही है, और इसलिए उनके संगीत में प्राण है, जो प्राण मेरे संगीत में नहीं है, क्योंकि मेरा संगीत कामना युक्त है, उनका संगीत कामना रहित है, कामना की कोई चाह ही नहीं है। इसे कहते हैं कर्मयोग, बिना किसी चाहत के किया गया कृत्य ही कर्म योग कहलाता है। इस बारे में थोड़ा और आपको जानकारी दूंगा। जब आपकी प्रार्थना कामना युक्त होती है तो वो बंधन बन जाती है, उसे सकाम कर्म कहा जाता है, और जब कोई प्रार्थना कामना से रहित हो जाती है, बिना किसी कामना के आप प्रार्थना कर रहे हैं और जो प्रार्थना स्वयं में पूर्ण होती है वही निष्काम कर्म हो जाता है, कामना रहित कर्म हो जाता है, अनमोटिवेटेड एक्ट हो जाता है। आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो, बिजनेस करते हो, आप ऐसे ही नहीं करते हो, उसके पहले भी आपकी कुछ कामना होती है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा इसलिए आप ऑफिस जाते हो, आप ऐसे ही ऑफिस नहीं जाते हो, पहले लक्ष्य है आपका, पहले कामना है, उस कामना के लिए आप काम कर रहे हो। आप मंदिर में जा रहे हो,
आपके मन में कहीं ना कहीं कोई कामना है कि मुझे पुण्य मिले, मुझे मोक्ष मिले, आप पूजा कर रहे हो, वो भी कामना रहित नहीं है, कामना युक्त है, परमात्मा की चाहत है, मोक्ष की प्राप्ति है, तो वो भी एक मोटिवेटेड एक्ट है। फूल का खिलना, नदी का बहना, सूरज का उगना, ये प्रकृति के सारे जो एक्ट है अनमोटिवेटेड एक्ट है, जो भीतर की ऊर्जा की ओवरफ्लोइंग से होते हैं। आप समझे, सूरज का उगना, फूल का खिलना और नदी का बहना, ये सारे एक्ट अनमोटिवेटेड एक्ट है, जो भीतर की ऊर्जा की ओवरफ्लोइंग से होते हैं, जिसके पीछे उनका भविष्य में कोई कामना नहीं होती है, उनका आज में ही जीना है, आज में ही बहना है, आज में ही उगना है, आज में ही खिलना है, कल के लिए उनके दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक अनमोटिवेटेड एक्ट है जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। लेकिन इंसान जो भी कर्म करता है वो सकाम कर्म ही करता है। पहले उसका लक्ष्य होता है, दुकान पे जाना है, प्रॉफिट है तो दुकान पे जाना है, मंदिर में जाना है, पुण्य मिलेगा तो मंदिर में जाना है, पूजा में कुछ फायदा होगा तो पूजा करना है। बिना किसी मोटिवेशन के इंसान कोई भी एक्ट नहीं करता है। किस लिए शब्द का जो इजाज है वो भी इंसान ने कहा है, वो हर चीज में किस लिए पूछता है, अगर उसे उसका जवाब मिल जाए तो वो एक्ट करने को तैयार हो जाता है, अगर वो किस लिए का जवाब उसे नहीं मिले तो वो कोई एक्ट नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आप बिना किसी मोटिवेशन के भी कर्मों को कर सकते हो, और वही कर्म जो है कर्म योग कहलाता है, और उसी में आपकी मुक्ति है, वही मोक्ष है, वही मोक्ष है। एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। कई बार लोग जैसे कि संसार के कामना को छोड़ना, मैं संसार की कामना के छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि संसार की कामना को तो छोड़ना ही है, पर साथ साथ आपको परलोक की कामना को भी छोड़ना है। संसार की कामना को छोड़ना तब आसान हो जाता है जब आपसे कुछ कहा जाए कि परलोक में इससे भी अच्छे ऑप्शंस है, इससे भी ज्यादा आपको धन मिल जाएगा, इससे भी ज्यादा आपको दौलत मिल जाएगी, या इससे भी ज्यादा ऐसी कोई चीज मिल जाएगी, ये संसार की कामना छोड़ दो, तो आप संसार की कामना छोड़ना शुरू कर देते हो और परलोक की कामना कर लेते हो। लेकिन कृष्ण ये कहते हैं कि संसार की कामना को तो छोड़ना ही है, साथ में परलोक में भी आपको कुछ मिले उस कामना को भी छोड़ना है, वही कर्मयोग है, उसे ही कर्मयोग कहना है, उसे ही कर्मयोग कहते हैं। आप अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा को पाना भी एक सूक्ष्म कामना है, जिसके लिए आप ध्यान करते हो, आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, परमात्मा आपको कभी नहीं मिलेगा, आपकी वो प्रार्थना विफल हो जाएगी। परमात्मा को पाना भी एक कामना है, कामना रहित कर्म करना ही कर्मयोग है। एक और बात जैसे मैं आपसे शेयर करूंगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक वाले जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं कि सर लोन लीजिए, आपको कम इंटरेस्ट पे हम लोन दे देते हैं, और छोटा व्यक्ति बेचारा जिसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का लोन चाहिए, उनको वो अपने पीछे पीछे घुमाते हैं, ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ। तो छोटे व्यक्ति जो लोन के लिए बैंक में रोज चक्कर मारते हैं, उनको इतने आसानी से लोन नहीं मिलता, और उनसे बैंक बहुत फॉर्मेलिटीज कराती है। लेकिन वही बैंक बड़े उद्योगपतियों के पीछे घूमती है और उन्हें कम इंटरेस्ट पे भी लोन देने को तैयार हो जाती है। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा भी उसे ही मिलता है जिसे परमात्मा को पाने की चाह नहीं है। जिसे परमात्मा को पाने की चाह है उसे परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। जब आपके भीतर आप वो कर्म करोगे जिसमें कोई कामना ही नहीं है, परमात्मा को पाने की भी कामना नहीं है, तभी परमात्मा आपके दरवाजे पे आके दस्तक देता है और आप परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। काफी कुछ चीजें जो गीता में मैंने पढ़ी है उसे आपको समझाने की कोशिश की है। अगली बार फिर एक बार एक ऐसे ही अलग टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा और अलग विषय के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे इतना जरूर कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।